ये बातें कोई छेड़ता नहीं, मुमुक्षुओं से कोई ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं करता कि तुम इतने दिन कर क्या रहे हो, क्या बात क्या समझ में आ रही है, ख्याल में ना, सुन रहे हैं लोग, सुने जा रहे हैं, और सुनने की धीरे धीरे क्या पड़ गई आदत, फिर आदत ऐसी पड़ गई कि अब नहीं सुने तो चैन नहीं पड़ती, आदत है ना, वही आदत आप रोज डाल लेते हो। खाली एक आदत नहीं होती, कई तरह की आदत, एक आदमी को उपन्यास पढ़ने की आदत पड़ गई, एक आदमी को अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई। अब देखो आप अखबार पढ़ते हो रोज, क्या मिलता है आप, अरे बताओ क्या मिलता है, लड्डू पेड़ा मिलते हैं, राग देश के अलावा तो कुछ मिलता नहीं उस अखबार से। लेकिन जिन लोगों को गहरी आदत पड़ जाती है अखबार पढ़ने की, आप देखो उनको भाई साहब, जैसे सिगरेट वाले को सिगरेट नहीं मिलती, बीड़ी वाले को बीड़ी नहीं मिलती तो तलब लगती है ना, ऐसे उसको अखबार के लिए तड़पड़ाता। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों को देखा है मैंने अखबार के लिए तड़पड़ाते, और वे जगत से मोह भंग कर चुके हैं, वे कह रहे हमें और अखबार नहीं मिले तो परेशान होते हैं, आज अखबार नहीं आया। वो कितने तरह के चाहिए, कई तरह के पड़ेंगे, सब चार तरह के अखबार पड़ेंगे, क्या लेना देना आपको, चैन नहीं पड़ती जी। आप आदतें देखते हो, आदतें ये आदतें पड़ गई, बात कहाँ क्या नहीं, आदत व्यसन, कोई बदल थोड़ी देंगे, उनको राजनीति में थोड़ी जाना है, लेकिन अंदर में उनको भी खबर नहीं कि ये व्यसन पड़ गया है। हमारे प्रॉब्लम क्या है, हम खोटी आदत को तो व्यसन कहते हैं और दूसरी आदत तो अच्छा कहते हैं, जबकि वो सारे ही व्यसन है। हमने परिभाषा बना दी व्यसन की, बुरी आदत बुरे कार्य को व्यसन कहते हैं, गलत, जिसके बिना तुम नहीं रह पाओ, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत, उसका नाम व्यसन। क्या क्या कहा, और ये कहाँ उपयोग किया है, इस समंतबद्ध आचार्य ने ये बात कही कि हे जिनेन्द्र भगवान, मुझे तो आपकी भक्ति का व्यसन लग गया है, उनने व्यसन शब्द डाला है। व्यसन माने हम जिसके बिना नहीं रह पाए, बुरा नहीं, यही तो गलत है, यही हमने हमें पढ़ा दिया ना बचपन से, बुरी आदत। अरे बुरी आदत की क्या बात, आदत कोई भी हो जिसके बिना चैन नहीं पड़े, क्योंकि सारी आदतें पर द्रव्य की तरफ ले जाती हैं। ऐसी कोई आदत पड़ी तुम्हें जो तुम अपनी ओर जाते हो कि साहब मैं जब तक आत्मा का ध्यान नहीं करूं मुझे चैन नहीं पड़ती, ऐसी कोई आदत हो तो बता, तत्व विचार नहीं करूं तो साहब मुझे चैन नहीं पड़ती, तो समझ में आए, ख्याल में, पर ही द्रव्य में आदतें बदल, हम मंदिर के बिना नहीं रह सकते, हम पूजा के बिना नहीं रह सकते, हम स्वाद, ये तो सब आदतें हैं, और ये जितनी गहरी पड़ती जाएंगी इसके बिना तुम्हें वैसी बेचैनी अनुभव होगी जैसे किसी शराबी को उसके बिना होती है, जैसे किसी अन्य अन्य चीजों की आदतें पड़ गई। तो देखो भैया, गहराई से पहले ये बात अच्छे से समझ लो कि मुझे 15 सालों में 20 सालों में 25 सालों में इतनी पंडित्याई करते हो गई, पंडित एक से एक पंडितों को देख लिए, कभी गहराई से कोई पंडित प्रश्न करता ही नहीं, अथवा वो अपने से भी नहीं करता और आपस में भी नहीं करते और श्रोताओं से भी नहीं करते, क्या वास्तव में हम जितनी कसाई की बुराई करते हैं क्या हमें कसाई उतनी बुरी लगती है।